आज मैं बनाऊंगा एक ऐसी रेसिपी जो हर घर में बड़ी आसानी से मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं बनाऊंगा जीरा आलू, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कटिंग चॉपिंग से। दोस्तों हमने यहाँ पे लिया है आधा प्याज, जो कि है थोड़ा सा बड़ा साइज का, इसको बारीक बारीक काटना है। और हरी मिर्च भी दो, उसको भी हमने काट लिया है छोटे छोटे, और ये साथ में रख देते हैं। और इधर काट लेंगे एक टमाटर, और साथ में दो टमाटर हम इसमें डालेंगे छोटे छोटे काट के, ठीक है। और हम इसके बाद लेंगे हरा धनिया, इसको भी छोटे छोटे काटेंगे बारीक, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे अदरक, अदरक का बहुत बड़ा रोल है इस जीरा आलू की सब्ज़ी में, अदरक ज़रूर डालें आप। इसको भी हम काटेंगे छोटे छोटे, एकदम बारीक काट के रखेंगे साइड पे। इसके बाद बढ़ेंगे हम रेसिपी की तरफ। ये हो चुका है, कर देते हैं थोड़ा सा साइड। तो गाइस कटिंग चॉपिंग हो चुका है, अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमारा कढ़ाई हो चुका है गरम, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हो चुका है गरम, अब हम यहाँ पे डालेंगे दो लाल मिर्च, साथ साथ हम डालेंगे काफी सारा जीरा, क्योंकि जीरा आलू है तो जीरा थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे हम इसमें। उसके बाद हम यहां डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज, प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, बस इसका कच्चापन निकालना है। साथ साथ हम डाल देंगे हरी मिर्च, थोड़ा सा करी पत्ता, और इसमें जाएगा जिंजर यानी कि चॉप कटा हुआ अदरक, उसके बाद हम यहां डालेंगे टमाटर, साथ साथ हम डालेंगे कटा हुआ आलू जो मैंने पहले से काट के रखा था। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, इसके साथ साथ जाएगा धनिया पाउडर, टर्मेरिक हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा सेवाला मिर्ची तीखा, ये
देखो कलर भी कितना बढ़िया आ चुका है इसमें, सारे फ्लेवर हम इसके अंदर डाल दिए हैं। और दोस्तों इसे बनाना बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस आपके घर में होना चाहिए आलू उबला हुआ और साथ में हम डालेंगे धनिया, हरा धनिया। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, बहुत ही थोड़ा सा। तो गाइस ये हमारा जीरा आलू हो चुका है डन। अब हम इसको करते हैं जल्दी से प्लेटिंग। तो गाइस ये हो चुका है हमारा जीरा आलू डन, अब हम करते हैं जल्दी से इसको प्लेटिंग। बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका, आप भी घर में ऐसे बनाएं, इस तरह का जीरा आलू बहुत ही अच्छा लगता है। ये दो मिर्ची है जो इसको हम यहाँ पे गार्निश के लिए लगाएंगे इस तरह से। तो गाइस ये हो चुका है हमारा जीरा आलू बिल्कुल रेडी। वाह क्या लाजवाब। तो गाइस इस रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता ही है, अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूं आपके लिए। और मिलेंगे हम एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Oh,